अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, सेकंड ईयर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 का नाम है जी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसी, ए डॉट सी। ठीक है, इसके अंदर जी चैप्टर जो 16 है इसके अंदर हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनमें से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आपकी थ्योरी में से ही हैं, इतने मतलब कि जस्ट वहाँ से आपने उनके आंसर्स निकाल लेने हैं, और कुछ कंसेप्चुअल है, ठीक है, मैथमेटिकल भी है। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी कि मैं इसे पढ़ता हूँ। अ साइनोसाइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। साइनोसाइडल करंट है, यानी कि साइनोसाइडल करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिंग, इस तरह वाला करंट है। इसकी आई आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो है जी 10 एम्पेयर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम और पीक वैल्यू का पता होना चाहिए। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट कुछ यूं करके चल रहा है, ठीक है। तो आई आर एम एस वैल्यू ना इस जगह कहीं पर लाई करती थी, तो ये वो दी हुई है। उसने पूछा कि ये वाली वैल्यू बताओ जो इसकी मैक्सिमम पीक टू पीक कह रहा हूँ, पीक वैल्यू इधर या इधर, ये कितनी होगी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला हमने देखा था, वो फार्मूला हमें क्या कहता है, वो फार्मूला उसके मुताबिक जो आई आर एम एस है वो बराबर होता है आई नॉट बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू अंडर रूट 2। आई आर एम एस कितना है 10, और अंडर रूट 2 होता है 1.414, तो आंसर विल बी 14.14 एम्पीयर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया, न्यूमेरिकल टाइप था, इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है, नेम अ डिवाइस, दो डिवाइस। ठीक है, ए ऐसी डिवाइस बताओ जो क्या करती हो, परमिट द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले मैं पार्ट ए करता हूँ। वो कहती है, वो बुक कहती है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है उसके मुताबिक आपने कोई ऐसी डिवाइस बतानी है जो इस चैप्टर में आपने पढ़ी है, पहले पढ़ी है एमटी में, जो क्या कर सकती है, डीसी को तो जाने देती है, कहता है जानी तूने टेंशन नहीं लेनी तू जा सकता है, लेकिन अल्टरनेटिंग को रोक देती, भाई नहीं तुझे इजाज़त नहीं है गुजरने की। अब डीसी करंट क्या था ये भी देख लेते हैं। डीसी करंट ये वाला करंट होता है जी जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ये डीसी है। और अल्टरनेटिंग कौन सा है, ये अल्टरनेटिंग है जो वक्त के साथ साथ क्या होता है, पोलैरिटी भी चेंज करता है, प्लस ये करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, करंट फिक्स है, एक लेवल पर फिक्स चल रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, करंट की लेवल को पहले कम है बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हुआ कम होता जा रहा है, फिर पोलैरिटी रिवर्स हुई फिर बढ़ता जा रहा है फिर कम होता जा रहा है। लेकिन हमने ऐसी डिवाइस बतानी है जो इसको तो जाने दे और इसको रोक दे। वो कैसी, वो कौन सी डिवाइस है, वो हमें पता है कि वो उस डिवाइस का नाम है जी इंडक्टर। क्या नाम है जी, इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है, यानी कि क्वाइल होती है कोई भी, जैसे सोलेनाइड्स होती है ना उस तरह, ये क्वाइल है, इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। जिसे हमने पिछले चैप्टर में सोलेनाइड बोलते रहे हैं इसको हम इधर कह लेते हैं इंडक्टर। ये इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डायरेक्ट को तो जाने देगी, अल्टरनेटिंग को रोकेगी। रीज़न क्या है कि इसके अंदर नो बैक EMF इफेक्ट, और इसके अंदर क्या आना शुरू हो जाता है, बैक EMF। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जब हम डीसी गुजारते हैं ना तो डीसी चेंज नहीं होता, जब ये चेंज नहीं होता तो इसके अंदर जो रिवर्स EMF का इफेक्ट बनता है सेल्फ इंडक्शन में वो नहीं बनता, और इसके अंदर एक अपनी तरफ से कुवत करंट, एक नया करंट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स करंट, वो इसमें नहीं बन पाता। जब बन नहीं पाएगा तो आने वाले को रोक नहीं पाएगा, जब रोक नहीं पाएगा तो वो चुप करके चला जाएगा। लेकिन जब ये अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो ये चेंज होता है, इसके चेंजिंग बिहेवियर से इसके अंदर एक नई किस्म की EMF बन जाती है, जिसकी वजह से एक रिवर्स करंट बन जाता है जो आने वाले लेंज लॉ के मुताबिक आने वाले करंट को क्या करता है, अपोज। तो जब वो आएगा ये से रोकेगा, तो ये से क्या कर रहा है, रोक रहा है, रोकने का मतलब है इसे अलाउ नहीं कर रहा, तो ये फिर ऐसी डिवाइस हुई जो इसको रोक देती है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, पार्ट बी में वो हमें कहता है कि एक ऐसी डिवाइस बताएं जो इसको जाने देती है और इसको रोक देती है। मीन्स के कुछ यूं करके वो कहना चाह रहा है हमें,
इसको रोक देती है, इसको जाने देती है। उस डिवाइस का नाम है जी कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 12 में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कुछ यूं करके बना होता है, इधर आपका सोर्स आ सकता है, ठीक है। अगर डीसी सोर्स है तो वो कुछ यूं आ जाएगा, और अगर अल्टरनेटिंग सोर्स है तो उसका सिंबल कुछ यूं आ जाएगा इस जगह, ठीक है। तो ये कैपेसिटर, अब ये इसको जाने देगा लेकिन इसको रोक देगा। रीजन, जब हम इसके साथ लगाते हैं ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर इधर आ जाता है नेगेटिव, ठीक है। जब ये पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, अब ये फर्दर इससे पॉजिटिव छीन नहीं सकता और ये इससे नेगेटिव छीन नहीं सकता, जिसकी वजह से जब ये दोनों साइडें फुल हो जाती हैं तो ये इधर से फर्दर करंट या चार्जेस लाना बंद कर देते। तो हम कहते हैं भाई सर्किट में करंट क्या हो गया है, रुक गया। हम उसके लिए हम इधर रास्ते में क्या लगा लेते हैं, लेट्स सपोज एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर मीटर से फर्दर चार्जेस आने रुक गए तो हम कहते हैं भाई सर्किट का करंट रुक गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कौन सा करंट लगा दूं, अल्टरनेटिंग, तो हमें पता है कि कैपेसिटर ने इसको तो रोक दिया है, इसको चेक करते हैं कि इसको रोका कि नहीं रोका। अब क्या होगा कि जब ये साइड पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव, तो इसने इसे चार्ज कर देना, यानी कि ये वाला पोर्शन जब एग्जिस्ट करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। लेकिन जैसे ये फुल हुआ होगा, अगला पोर्शन आ जाएगा, उसमें क्या होगा, ये साइड हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइड हो जाएगी नेगेटिव। होगा क्या कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव। अगला साइकिल आएगा, उसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, जिसकी वजह से कभी इधर से चार्जेस इधर जा रहे हैं, कभी इधर से इधर जा रहे हैं, हर बार एम्पेयर मीटर से गुजर रहे हैं। अगर एम्पेयर मीटर से गुजर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई सर्किट में करंट कंटिन्यूस, करंट तो रुक ही नहीं रहा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, कंडीशन तो यह है कि गुजरना चाहिए, गुजर रहा है दोनों कंडीशन में। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट ने, कैपेसिटर ने अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट करंट को स्टार्टिंग में तो नहीं करता, लेकिन कुछ ही लम्हात बाद डायरेक्ट करंट को वो ब्लॉक कर देता है। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं जी। हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन इनकैंडेसेंट लैम्प विल रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। अब जाहिर सी बात है इधर हमने एक लफ्ज यूज किया है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ नहीं डायरेक्ट करंट, तो कौन सा मतलब हुआ, अल्टरनेटिंग। क्योंकि 50 हर्ट्ज का मतलब बनता है कि 50 साइकिल एक सेकंड में गुजरने हैं यूं करके। तो ये देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यूं यहाँ तक एक साइकिल है, तो ऐसे कितने गुजरने हैं, 50। तो ये देखें जी मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये एक सेकंड में कितने साइकिल गुजरने हैं, 50, ठीक है जी। 1 सेकंड में ये एक सेकंड के 50 साइकिल्स हैं, ठीक है। ये हर्ट्स में लिख रहा हूँ, इधर साइकिल कहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है 50 वेव्स गुजरनी है। अब 50 वेव के अंदर पीक्स कितनी बार आती हैं, सामने आपके बने हुए ग्राफ, कितनी बार पीक आई इधर, एक बार, इधर भी कितनी बार आई, एक बार। तो साइकिल यहां तक बनता है, यहां से लेके यहां तक, एक साइकिल में कितनी बार पीक्स आई, 2 बार। इसका मतलब है कि जब, अगर मैं इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, ये देखें जी ये बल्ब है, अब हुआ कुछ यूं कि जब करंट यहां से यहां तक आया तो ये पहली पीक आई तो बल्ब फुल रोशन हो गया, लेकिन करंट कम होने लग गया तो बल्ब मध्यम होने लग गया। अगला हाफ साइकिल यानी कि उसी साइकिल का अगला टुकड़ा आया तो करंट यहां तक आया तो फुल रोशन हुआ, अगली बार फिर कम हो, तो यहां तक कितना साइकिल गुजरा, एक, फिर ये 2। तो एक साइकिल में कितनी बार रोशन हुआ, 2 बार। तो 50 में कितनी बार होगा, 1 में 2 बार, तो 50 में कितनी बार होगा, 100 बार। तो इसका मतलब है कि जो ये लैंप है इनकैंडेसेंट लैंप, ये फुल मैक्सिमम ब्राइटनेस कितनी बार देगा 50 हर्ट्ज के साइकिल वाले में, हर्ट्ज की बात है, 1 में 2 दे रहा है तो 50 में कितना देगा, 100 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि ये 100 टाइम्स फुल ब्राइटनेस शो करवाएगा, ठीक है जी। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या डिमांड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि अ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर, अ स्विच एंड अ डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को बंद कर दिया, एंड आफ्टर एन
इंटरवल ओपन, एक्सप्लेन व्हाई अ स्पार्क जंप्स अक्रॉस द स्विच कनेक्ट्स। ये देखें जी, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। वो कहता है कि ये एक इंडक्टर था, इसको हमने एक बल्ब के साथ ऐसे लेट्स सपोज जोड़ दिया, और इन दोनों को जोड़ दिया एक बैटरी से, और इनके दरमियान में लगा दिया एक स्विच। ठीक है जी, ये बैटरी है, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास लैंप है, ठीक है, इंडक्टर ये एल जिसे हम बोलते हैं इंडक्टर एल, ठीक है, इंडक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं स्विच को क्लोज करता हूँ तो सर्किट में करंट चलता है, बल्ब रोशन होता है, ठीक है, बल्ब भी रोशन होने लग गया। लेकिन कुछ लम्हात बाद मैंने क्या किया, स्विच को ऐसे डिसकनेक्ट किया। जब मैं स्विच को डिसकनेक्ट करता हूँ तो आप देखते हो यहाँ पर स्पार्क सा बनता है। ये स्पार्क लाजमी नहीं है कि इधर आपने देखा होगा, आपकी डेली लाइफ में भी आपको नज़र आता है, जब हैवी मोटर आपका जो वाटर पंप है या पंखा है, इनके स्विच को जब चलते हुए स्विच को या चल रहा है पंखा सुकून से या चल रही है आपका ये जो वाटर पंप है, आप इसको ऑफ करते हो, आप जैसे ही ऑफ करते हो आप देखते हो वहाँ पर स्पार्क सा होता है। वो स्पार्क क्यों होता है, उसकी रीज़न हम इधर देख लेते हैं। हुआ क्या कि जब आपने इनको कनेक्ट किया तो डीसी सोर्स है, तो एक यूनिफॉर्म सा करंट इसमें चल रहा है, ना चेंज हो रहा है, ना कम हो रहा, ना ज़्यादा हो रहा, ना कम हो रहा है, इट मीन्स चेंज नहीं हो रहा। तो इसके अंदर क्या बैक ईएमएफ बनेगी, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि इसके अंदर बैक ईएमएफ नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि करंट चेंज नहीं हो रहा तो बैक ईएमएफ नहीं होगी, तो स्मूथ करंट फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे, यहाँ से ऐसे स्विच को ओपन करोगे, तो क्या होगा, करंट यहाँ था तो ये वापस किस लेवल पर आएगा, ये करंट है, ये टाइम है। तो जैसे ही आप इधर से बंद करोगे तो करंट मैक्सिमम से कहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, जीरो में। तो इस ड्यूरेशन में ये पॉइंट ओ से या पॉइंट ए से बी तक के इस सफ़र में क्या करंट चेंज हो रहा है? आपको कहे सर जी सर करंट चेंज हो रहा है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो इस इंडक्टर में क्या बनना शुरू हो जाएगी, बैक ईएमएफ और रिवर्स करंट। ये बन गया क्यों, क्योंकि ये क्यों बना, क्योंकि जब आपने इसमें से करंट गुजारा हुआ था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई थी। अब एनर्जी स्टोर हुई थी तो जब आपने स्विच को ऑफ किया तो चेंज इन करंट कर दिया, जब चेंज इन करंट किया तो बैक ईएमएफ बनी, साथ ही क्या बना, रिवर्स करंट। अब वो रिवर्स करंट क्या करेगा, अपने काज को अपोज करेगा। वो काज क्या है कि ये करंट कम हो रहा है, वो चाहता है इस करंट को मैक्सिमम करे। तो जैसे ही आप इधर से स्विच को ओपन करने लगते हो तो वो इस काज को रोकने की कोशिश करता है, रोकने के लिए उसे अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको चार्जेस का यहाँ पर क्या नज़र आता है, एक स्पार्क। स्पार्क क्या था कि दो चार्जेस जब से फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से वो नज़र आता है। तो होता क्या कि ये इधर से जाने वाले चार्जेस को ये रोक रहा होता है कि भाई ना जाओ, मेरी आपके जाने से ये करंट चेंज होता है, और करंट के चेंज होने से मेरे अंदर रिवर्स ईएमएफ बनती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो। तो इसलिए ये क्या करता है, ये जो चार्जेस जा रहे थे उनको पकड़ता है, जब पकड़ने की कोशिश करता है तो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, वो फ्लो आपको इधर से नज़र आता है। वो किस शक्ल में नज़र आता है, वो आपको स्पार्क की शक्ल में नज़र आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फाइव में वो हमने कहता है, हाउ डज, ये फिर न्यूमेरिकल टाइप है, हाउ डज डबलिंग की फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। सबसे पहले इसमें एक टर्म है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होती है, इसको हम इधर मोस्टली एक्सेस आई कर रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर 16 में। रिएक्टेंस सेम टू सेम वही है जो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक टर्म पढ़ी थी, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों को यूनिट भी क्या है, सेम है। तो जो रेजिस्टेंस है ये वही है रिएक्टेंस, लेकिन ये रिएक्टेंस होती किसकी है, तो हमने इधर सर्किट एलिमेंट्स पढ़े थे दो, एक कैपेसिटर और दूसरा इंडक्टर, ठीक है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस होती है इसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। ओवरऑल मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो जो इसकी रेजिस्टेंस है उसका जो फार्मूला है, यानी कि रिएक्टेंस का फार्मूला है, वो है ओमेगा, ठीक है। और जो इसकी रेजिस्टेंस है उसका है 1/ωc। तो क्वेश्चन वो क्या कहता है, डबलिंग दी फ्रिक्वेंसी इफेक्ट दी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो फ्रिक्वेंसी आपने क्या करनी है डबल, आपको कह सर इधर तो फ्रिक्वेंसी की कोई हमें जगह ही नहीं नज़र आ रही, तो ओमेगा आपने पढ़ा था, ओमेगा होता है 2πf × L, L वैसे आ गया, ओमेगा की जगह क्या गया 2πf,
और इधर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई f इंटू सी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने फ्रिक्वेंसी की जगह पर नई फ्रिक्वेंसी पुट करनी है और वो कितनी कर देनी है, 2f। तो अब ज़रा चेक करते हैं, पहले मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो न्यू एक्सएल जो बनेगा वो क्या होगा, 2 पाई 2f इंटू एल। तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है, 2 पाई f इंटू एल। और ये 2 वैसे का वैसे, और ये किसके बराबर था, एक्सएल के। इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी के डबल करने से रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं कैपेसिटर में चेक करता हूँ, तो कैपेसिटर के लिए न्यू एक्सी बनेगा 1 ओवर 2 पाई 2 f इंटू सी। तो क्या 1 ओवर 2 इधर वैसे लिख ले, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, 2 पाई f इंटू सी। इसके जगह क्या आ जाएगा, वापस हमारे पास ये इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, xc। तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 इंटू xc। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंस जो नई बनी है कैपेसिटर की सेंस में, वो पहले वाली कैपेसिटेंस का सॉरी रिएक्टेंस का क्या हो गई है, हाफ, और इंडक्टेंस सॉरी रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है इसके केस में क्या हुआ कि फ्रिक्वेंसी के डबल करने से रिएक्टेंस यहाँ जो वो रिएक्टेंस क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन RLC सर्किट, RL सर्किट विल द करंट लैग और लीड द वोल्टेज, इलस्ट्रेट योर आंसर बाय अ फैक्टर डायग्राम। ठीक है, तो हमने बताना है कि करंट लीड और लैग, सबसे पहले तो लीड और लैग का मतलब समझ लेते हैं, लीड एंड लैग। अगर कोई मेरे आगे चल रहा है ना, मेरे से कुछ कदम आ गया तो वो लीड कर रहा है, और मैं अगर उससे पीछे चल रहा हूँ ना, मैं इसे बोलूँगा लैग। तो अगर हम जो पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में देखें तो वहाँ पर हमने डीसी सोर्सेज से सारा काम किया, तो हम उधर कहते थे कि जो वो जितनी वोल्टेज है उसी लिहाज से करंट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है। लेकिन इधर हमने इनको एक नए वैक्टर से इंडिकेट किया हुआ है, और वो पूछ रहा है कि इस इंडक्टर में, यानी कि ये जो इंडक्टर होता है इसके अंदर लीड कौन करता है और लैग कौन करता है। हमारे पास इधर 2 चीज़ें हैं, एक है वोल्टेज और दूसरी चीज़ है करंट। तो लीड कौन करेगा और लैग कौन करेगा वो हमने बताना है। तो इसके पूरे टॉपिक में जब आप पीछे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसमें करंट इस जगह था और वोल्टेज इस जगह थी। तो अब इसमें 0 डिग्री पर कौन है, करंट, और 90 डिग्री पर कौन है, वोल्टेज। तो आगे कौन हुआ, वोल्टेज। इसका मतलब है कि वोल्टेज लीड्स या करंट लैग बिहाइंड, किसके बिहाइंड है, वोल्टेज के। कितने एंगल, कितने फेज पे, कितने एंगल पे, वो क्या फेज यानी कि एंगल कितने पे, 90 पे। तो करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई 90। ठीक है, और वेक्टर डायग्राम से आपने बताना था, तो वेक्टर डायग्राम से मैंने ये बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो वो क्या कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम कह देंगे जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर XL, वो आ जाएगी 2 पाई f L। ठीक है, तो यानी कि इसकी रिएक्टेंस, तो वो ये आ जाएगी। तो बस ये डायग्राम बनानी थोड़ी आपने बताना था कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये जो है ये किसके बराबर होगा, यही होगा V इज इक्वल टू आई आर होता था, इधर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई XL, और यहाँ से XL किसके बराबर आ जाएगा, वी ओवर आई। और अगर आप यहाँ से देखें तो वी ओवर आई क्या बनती है, ये इसकी स्लोप बनती है, वो स्लोप कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन वेक्टर्स की वजह से ये जो स्लोप है वो इधर बन रही है, और ये क्या चीज़ है, ये वी ओवर आई। तो इसकी वी ओवर आई की वैल्यू आप जैसे ही पुट करोगे तो आपको उस पॉइंट पर एक्सएल निकल जाएगा, लेकिन ये हमने करना नहीं है, हमने जस्ट ये करना है। तो इधर मैं वैसे लिख देता हूँ, ये एक्सएल हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने सिर्फ ये ब्लू वाली डायग्राम और ये बताना है कि लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन एसी सर्किट कॉजेज द लैम्प टू बिकम्स डिम, व्हाई इज इट सो। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमने किया क्या, हमने एक लैम्प लिया बल्ब, इसके साथ एक इंडक्टर को ऐसे लगा दिया और इधर लगा दिया अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, और जैसे ही स्विच को हमने इधर से क्लोज किया तो हुआ कुछ यूं कि इस बल्ब के अंदर रोशनी तो आई, लेकिन जो बगैर इंडक्टर के रोशनी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, यानी कि बहुत डिम चल रहा था ये,
यही चीज़ आपके ट्यूबलाइट्स में होती थी, वो जो सेंटर में चौक लगी होती थी। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये इतना डिम क्यों है, उसकी वजह आपको पता है। ये इंडक्टर है, इस इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है? चेंजिंग करंट। अगर चेंजिंग करंट होगा तो क्या बनेगी? बैक ईएमएफ। अगर बैक ईएमएफ बनेगी तो वहां पर क्या बनेगा? रिवर्स करंट। और अगर रिवर्स करंट बनेगा तो आने वाले करंट को अपोज करेगा। अगर आने वाला करंट अपोज करेगा तो जो अंदर से गुजरेगा वो बहुत कम होगा, और बहुत कम करंट की वजह से बल्ब के अंदर रोशनी भी कैसी होगी? डिम सी, मध्यम सी। अब लेकिन पार्ट बी, ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या कहता है? पार्ट बी में कहता है कि हमने यही सर्किट दोबारा बनाया, लेकिन अब क्या किया, इसके दरमियान में एक कैपेसिटर को एडजस्ट कर दिया। ये कैपेसिटर वही है जो आपके ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता था। तो अब वेरिएबल कैपेसिटर एडेड इन सीरीज इन दिस सर्किट मे बी एडजस्टेड अंटिल द लैंप ग्रोज विद द नॉर्मल ब्रिलियंस। एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। वो कहता है ये कैपेसिटर वेरिएबल है। वेरिएबल कैपेसिटर क्या है? ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस चेंज की जा सकती है। तो इधर एक फार्मूला लिखा हुआ मैंने, अगर ये सी चेंज होगा तो क्या एक्स सी चेंज होगा? देखा सर, होगा। तो असल में वेरिएबल कैपेसिटर एडजस्ट करने से वो कहता है कि एक ऐसा लेवल आता है कैपेसिटर्स का जहाँ पर यह ब्राइटनेस फुल हो जाती है। होता कुछ हुआ कि इसमें एक नई टर्म बनती है इम्पीडेंस। वो इम्पीडेंस क्या होती है? जेड वो बराबर होती है XL का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इस इम्पीडेंस को फुल मैक्सिमम कम करने के लिए होगा क्या कि जब मैं इसको ज़्यादा करूँगा इसको, तो ये XC की वैल्यू चेंज होगी। XC की वैल्यू चेंज होने से इस पूरे फैक्टर में Z का फैक्टर ज़्यादा या कम होगा, और इसके मुताबिक जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा V इक्वल टू IR होता है, यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू IZ, और Z बराबर हो जाएगा V ओवर I। तो हमने इसको कुछ ऐसा एडजस्ट करना है जिससे ये एडजस्ट हो और ये एडजस्ट होकर अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाए। तो ये रेजिस्टेंस का काम है, इम्पीडेंस का नाम इधर रेजिस्टेंस है। तो ये कम हो जाएगी तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा, और अगर करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कैपेसिटर ने क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है कि एक ऐसी फ्रिक्वेंसी बनानी, ऐसी कैपेसिटेंस बनानी है जहाँ पर क्या होगा कि सर्किट की इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाए और करंट मैक्सिमम हो जाए, इसलिए बल्ब ब्राइट ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन दी कंडीशंस अंडर व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता होंगी, सात लोगों का एक खानदान है। उस खानदान की प्रोडक्शन यानी कि वो कैसे बनता है, तो उस खानदान में हम मोस्टली जो माइक्रोवेव्स और जो हमारी है जो कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं इनकी बात करेंगे इधर। तो बाकी हायर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो तो फिर हम चैप्टर नंबर 19 में देखते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वो कहता है कि ये कैसे बनती है। मैक्सवेल के मुताबिक अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। तो हमने पढ़ना ये है कि ये बनती कैसे है, तो ये एक आंसर उसका लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जो आपके जितने भी मोबाइल फोन्स के सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, या आपके जो रेडियो स्टेशन से सिग्नल आते हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। तो ये वेव्स बनती कैसे हैं? होता कुछ यूँ है कि हम इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, एक्सेलरेट भी और डीएक्सेलरेट भी। एक्सेलरेट मीन ऊपर गया, डीएक्सेलरेट मीन वेलोसिटी पहले बढ़ती जा रही है फिर कम होती जा रही है। तो जब ये एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट करता है तो इस चक्कर के अंदर इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, और वो वेव्स क्या कहलाती हैं? उनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूं करके एक अल्टरनेटिंग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एक ट्रांसफार्मर को। ठीक है, और इधर आपके पास होता है जी एक एंटीना। ये ट्रांसफार्मर है जो कि लगा हुआ है एक एंटीना के साथ। होता कुछ यूँ है कि ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, इस सोर्स ने आपको पता है यूँ वाली वे सिग्नल भेजना है इसको ट्रांसफार्मर को यानी कि करंट भेजना है। जब ये भेजेगा तो इधर इसके अंदर करंट म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इधर आएगा, जिसकी वजह से एक साइड इसकी कभी पॉजिटिव होगी और एक साइड कभी नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर के चार्जेस कभी ऊपर मूव करेंगे कभी नीचे मूव करेंगे, कभी ऊपर मूव करेंगे कभी नीचे। और इसी स्नाह के अंदर इसी एंटीना से चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं? एक्सेलरेट डीएक्सेलरेट। तो जिसकी वजह से यहाँ पर उस मैक्सवेल के मुताबिक क्या बननी शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इधर से
आउटवर्ड के डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह हमारे रेडियो सिग्नल काम करते हैं और इसी तरह हमारे ये टेलीफोन मोबाइल फ़ोन भी काम करते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे क्या कहता है, एक्सप्लेन दी कंडी हाउ द रिसेप्शन ऑफ पार्टिकल रेडियो स्टेशन इज सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। तो ये बहुत पुरानी बुक है, उसके मुताबिक ये कहता है कि आपके पास आपके जो रेडियो नहीं होते थे पुराने ज़माने में, उस रेडियो के ऊपर आप कैसे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वेव्स को एक्सेप्ट करते हो या वो उसका रिसेप्शन सर्किट कैसे काम करता है। अब देखो ना, आप लेट सपोज किसी भी उसमें शहर में जाते हो तो वहाँ पर लेट सपोज कोई भी FM चलता है, मुझे नहीं पता कौन सा चल रहा है, या कोई भी जैसे इंडिया है वहाँ पर डिफरेंट रेडियो स्टेशन हैं उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के चलते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में चलते हैं, किसी जगह पर AM चलते हैं, किसी जगह पर FM चलते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं चलते। आप क्या करते हो, वहाँ पर हर रेडियो में एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का नाम है ट्यूनिंग, आपने देखा होगा, और ट्यूनिंग करते हो। जैसे आप ट्यूनिंग करते हो, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जैसे ही उस पर डिस्प्ले होती है तो आपको वो वेव्स आना शुरू होती हैं। आप जैसे उससे आगे या पीछे जाते हो तो वो वेव्स बंद हो जाती हैं। वो कहता है कि ये काम कैसे करते हैं, इन्हें बोलते हैं रिसेप्शन सर्किट्स, ये काम कैसे करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब होता कुछ यूँ है कि आपके पास एक ऐसे सर्किट होता है जिसमें आपके रेडियोज में एक एंटीना भी होता है, होता कुछ यूँ है कि इधर एक इंडक्टर होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और इधर एक आपके पास सर्किट होता है। अब ये एंटीना है जिसने आपकी वेव्स को रिसीव करना है, वो आपके रेडियोस पे भी बना होता है। अब ये वेव्स रिसीव कर रहा है लेकिन वेव चल नहीं रही क्योंकि सर्किट में रेजोनेंस नहीं क्रिएट हो रही। इसने कहा सर वो कैसे क्रिएट होती है, वो ऐसे क्रिएट होती है कि इसकी और इसकी ऐसी फ्रिक्वेंसी जहाँ पर इनकी इंपीडेंस एक दूसरे के और इनकी रिएक्टेंस एक दूसरे के क्या हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। तो हम उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था FR=1/2πL×C। अब इसमें इंडक्टर फिक्स होता है, हम क्या चेंज करते हैं, कैपेसिटर मैंने वेरिएबल बनाया L और C, तो इंडक्टर। अब क्या होगा कि सी को ज़्यादा या कम करने से क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्वेंसी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एक सी के एक ऐसे लेवल भी आएगा जहां पर हम उस फ्रिक्वेंसी को रेंज कर देंगे जो फ्रिक्वेंसी की वेव्स इस रेडियो एंटीना पर आ रही हैं, या जिस रेडियो को हम सुनना चाह रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम रिसीव करना चाह रहे हैं, वो वाली वेव्स। लेट्स सपोज वो वेव आ रही हैं जी 540 किलोहर्ट्ज़ की, ठीक है, AM की फ्रिक्वेंसी है। तो सी को मैं कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा कि जो इनका आंसर बने वो 540 किलोहर्ट्ज़ बने। जैसे ये बनेगा ये सर्किट एक्सेप्टर सर्किट बन जाएगा, ये वेव्स को रिसीव करना शुरू कर देगा, सर्किट में इम्पीडेंस कम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और आपको वो साउंड या जो भी सिग्नल वो वेव इंडिकेट कर रही है वो उस तरह का म्यूजिक या साउंड आपको सुनना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर नंबर 16 का लास्ट टॉपिक है, और इसके अंदर कहता है व्हाट इज मेंट बाय AM एंड FM। AM एंड FM, ठीक है, AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, और FM का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। होता क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ऐसे समझ लो कि जो रेडियो सिग्नल जो आपके पास मेरा ये जैसे आवाज़ है या रेडियो स्टेशन पे जो लोग बोल रहे होते हैं उनकी आवाज़ हम तक मोबाइलों तक या रेडियो तक आ रही होती है, वो आवाज़ खुद चल के नहीं आती, या जैसे मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं खुद चल के जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी सवारी के ऊपर सवार हो जाता हूँ और वो मुझे पकड़ के वहाँ ले जाती है, तो वो जो लेके जा रहा है वो कैरियर है और जो मैं जा रहा हूँ मैं असली सिग्नल हूँ। तो होता क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो होते हैं, एक इस तरह आपके पास सिग्नल होता है कुछ यूं, ये वो आपकी बस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इधर कैरियर वेव, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नल। अब होगा कुछ यूं, चलो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है। अब होगा कुछ यूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि ये ऑडियो सिग्नल इसके ऊपर हम सवार करवा देंगे, ठीक है, कैरियर वेव के ऊपर। तो जो नई किस्म की वेव बनेगी, जो जिस प्रोसेस से बनेगी, वो प्रोसेस होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। होगा क्या कि इसका एम्पलीट्यूड
चेंज हो जाएगा। अब ये दो किस्म से हो सकते हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज करके भी हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड। तो इसमें हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड। तो जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस अंदाज से बनेगी, तो जो नई वेव बनेगी वो कुछ यूं बनेगी कि इसका एम्पलीट्यूड कम में बढ़ता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, इस तरह की वेव। तो अब ये जो नई वेव बनी है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वेव है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा जो है उसका नाम क्या था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव पे कुछ इस तरह इम्पोज करवाएंगे कि इसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा बट इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ज़्यादा भी हो जाएगी कम भी हो जाएगी, मतलब किसी जगह पर ज़्यादा किसी जगह पर कम। तो जो न्यू सिग्नल बनेगा वो कुछ इस अंदाज का बनेगा, इसे मैं बना देता हूँ इधर, ये देखना। क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड देख लो हर जगह सेम है लेकिन इधर एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, बट क्या हो रहा है कि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेट हो गई है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, यानी कि ये आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी ये लो फ्रिक्वेंसी, ये हाई एम्पलीट्यूड ये लो एम्पलीट्यूड। तो ये जो नई वेव बनी है ये फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन से वेव बनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं FM। इसकी रेंज है, इसकी रेंज है जी 540 किलो हर्ट्ज़ से लेके 1600 किलो हर्ट्ज़, और इसकी है 88 MHz से लेके 108 MHz। तो वह आपने कमेंट में बताना है कि आपके इलाके के अंदर कौन सा रेडियो सिग्नल चलता है, AM वाला या FM वाला, और अगर AM वाला चलता है तो उसकी कौन सी फ्रिक्वेंसी चलती है, और अगर FM वाला चलता है तो उसकी कौन सी फ्रिक्वेंसी चलती है। मेरे एरिया में FM 90 चलता है, आपके एरिया में कौन सा चलता है वो आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है जी। तो ये वाली इसकी आ जाती है फ्रीक्वेंसी नहीं, तो आपने मोबाइल पर भी देखा होगा कि वो 88 अगर FM है आपके मोबाइल में तो 88 से लेके 108 तक होती है, उसके दरमियान में कुछ हो सकता है जैसे कि 105.5 MHz हो सकता है, लेकिन ना इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा क्योंकि ये फिक्स की हुई है, ठीक है जी। ये था आपके चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।